Assalamualaikum students, how are you? I hope you all are fine. Yes students, today we are going to discuss about grammar portion change the number. Okay, we also call this singular and plural. Change the number ko hum singular aur plural bhi kehte hain. Okay, sabse pehle hamein pata hona chahiye ki singular aur plural hota kya hai. सिंगुलर मीन्स होता है वन थिंग, ठीक है, कोई भी नाउन है जो हम ओनली आज जो बात करेंगे नाउन के सिंगुलर नाउन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल नाउन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना. सिंगुलर क्या होता है कि एक चीज़, ठीक है, कोई भी एक चीज़, और प्लूरल क्या होता है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है. अगर एक चीज़ होती है उसको हम सिंगुलर कहते हैं, और अगर बहुत सारी चीज़ें हों तो उसको कहते हैं प्लूरल, ठीक है, उनको हम प्लूरल बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव बुक, वन बुक है ना, तो हम क्या कहेंगे, सिंगुलर है ये, ठीक है, सिंगुलर है. अगर मेरे पास टू बुक्स हैं तो मैं क्या कहूँगी, आई हैव टू बुक्स. ओके, बुक्स बोला, पहले बुक था एक है तो बुक सिंगुलर हुआ और टू कर दिए तो क्या बन गया, प्लूरल बन गया. ओके, अंडरस्टैंड. सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम. मेरे पास ये क्या है, करेक्शन पेन है, तो ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है. अगर हम इसको टू कर दें तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल. ओके, अब हम बात करेंगे कि सिंगुलर का हम प्लूरल कैसे चेंज करते हैं, ठीक है. मैंने यहाँ पे कुछ नाउन्स लिए हैं और यहाँ पे उसको मैंने प्लूरल में चेंज किया है. आपको ये देखना है कि ये क्या कैसे चेंज किया गया है. ये देखो, ये क्या लिखा हुआ, बैट, और ये क्या लिखा है, बैट्स. बैट के स्पेलिंग सेम लिख कर पीछे क्या लगा दिया है, एस लगा दिया है, ये बैट्स बन गया प्लूरल, ठीक है ना. फिर नेक्स्ट है मैंगो, मैंगो सिंगुलर है तो ये है मैंगोज, इसके पीछे ई एस लगा दिया है, मैंगो तक सेम स्पेलिंग है और ई एस एक्स्ट्रा में लगा दिया है, इसको बना दिया है प्लूरल, ठीक है. बेबी, यहाँ पे है बेबीज, ये सिंगुलर है तो यहाँ पे प्लूरल बन गया. कैसे बना, देखो बी तक सेम बनाया है, फिर आई लिखा है, फिर ई एस लगा दिया है, ठीक है. नेक्स्ट है बॉय, बॉय का प्लूरल है बॉयज, ओनली एस लगाया है इसमें. नाइफ, नाइफ का नाइव्स, देखो एन आई तक सेम है, बाद में बी ई एस चेंज कर दिया है, ठीक है. नेक्स्ट है ब्रदर इन लॉ, तो यहाँ पे ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर के पीछे एस लगा दिया, बाकी सेम है. तो यहाँ पे है मैन, तो यहाँ पे है मैन, इस तरह है बनाया हुआ सिंगुलर और प्लूरल. अब हम इसमें हमें पता नहीं लग रहा है कि कैसे बनाना है, तो इसके यहाँ कुछ रूल्स हैं, मैं आपको आपके साथ वो डिस्कस करना जा रही हूँ. रूल क्या है कि अगर नाउन के पीछे वाला लेटर में सी एच हो, सी और एच हो, एस एच हो, या एस डबल एस हो, या एक्स हो, या जेड हो, देखो सी एच एस एच एस एस एक्स जेड, ये हो तो हम क्या बना देंगे, उसके पीछे क्या लगा देंगे, ई और एस ज्वाइन कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा. ओके, अगर सिंगुलर के सिंगुलर नाउन के पीछे सी एच एस एच एस एक्स जेड ये लिखे हों तो हम क्या है, पीछे क्या लगा देंगे, ई एस. फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रांच, बी आ ए एन सी एच, ब्रांच पीछे सी एच है ना, मैंने कहा था सी एच पीछे होगा तो क्या लगेगा, ई एस. देखो हम सेम इसी तरह लिख लेंगे, बी आर ए एन सी एच और पीछे हम ई एस लिख देंगे, ब्रांचेस. ओके, एक और एग्जांपल दे देते हैं. बंच, बी यू एन सी एच,
बंच, ठीक है, बंच का क्या आ जाएगा, बंचेस। ओके, अब एस एच को लेते हैं हम। आप बताओ कोई ऐसा नाउन जिसके पीछे एस एच हो, क्या बता सकते हो? फिश, क्या आएगा, फिश, एफ आई एस एच, फिश, एस एच है ना पीछे में, तो हम इसको क्या लिखेंगे, फिशिश, एफ आई एस एच ई एस, फिशिश। इसी तरह और लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, आई होप यू ऑल आर फाइन। यस स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्रामर पोर्शन, चेंज द नंबर। ओके, वी ऑल्सो कॉल दिस सिंगुलर एंड प्लूरल। चेंज द नंबर को हम सिंगुलर और प्लूरल भी कहते हैं। ओके, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिंगुलर और प्लूरल होता क्या है। सिंगुलर मीन्स होता है वन थिंग, ठीक है, कोई भी नाउन है जो हम ओनली आज जो बात करेंगे नाउन के सिंगुलर नाउन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल नाउन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ब्रश, बी यू आर यू एस एच, ब्रश, ब्रश का की जो पीछे एस एच है ना, तो क्या लिखेंगे, सेम इसी तरह लिख के पीछे हम ई एस लगा देंगे, ब्रशेस, ठीक है। और अब है एस, डबल एस भी हो सकता है और ओनली वन एस भी हो सकता है। अगर डबल एस है तब भी हम ई एस लगाएंगे, अगर वन एस है तब भी हम ई एस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल क्लास, सी एल ए डबल एस, क्लास, डबल एस आया ना, तो इसके पीछे हम क्या करेंगे, सी एल ए डबल एस ई एस, क्लासेस। ओके, जैसे ग्लास, जी एल ए डबल एस ग्लास, ग्लासेस, जी एल ए डबल एस, सेम लिखा, पीछे हमने ई एस ज्वाइन कर दिया, समझ में आ रहा है ना। इसी तरह एक्स का लेते हैं हम, एक्स का एक्स कोई नाउन बताओ जिसके पीछे में एक्स आता हो। बॉक्स है ना, बॉक्स, बी ओ एक्स, बॉक्स, बॉक्सेस, बी ओ एक्स ई एक्स, बॉक्सेस। और कोई एग्जांपल हो एक्स वाला, फॉक्स, एफ ओ एक्स, फॉक्स, पीछे हम लिखेंगे फॉक्सेस। समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। और इसी तरह जेड का, जेड का जो हमने नाउन लिया है वो लिया है फेज, फेज का क्या आएगा, फेजेस। ओके, अब हम सेकंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड रूल क्या है, नाउन, नाउन्स एंडिंग इन वाई विद अ कंसोनेंट लेटर बिफोर वाई, मींस क्या क्या कह रहे हैं कि जो वर्ड्स होगा, नाउन होगा, नाउन का जो लास्ट वाला वाई होगा, वाई के साथ जो वाई के बिफोर, ठीक है, बिफोर ये वाला, ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, कौन सा 21 जो लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। मैं आपको सिंपली लर्न करवा देती हूँ, वो तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा लर्न करने में। देखो वॉवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, कौन कौन से, एक ए होता है, ई आई ओ यू, ये क्या है, वॉवल्स हैं, क्या है ये, वॉवल्स हैं। 26 लेटर होते हैं ना ए टू जेड तक, उनमें से ये 5 है जो वॉवल्स है, जो बाकी लेटर्स हैं उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट, अंडरस्टैंड। तो ये आपको 5 लेटर याद करने पड़ेंगे, ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स। अगर ये वाई के साथ ये वॉवल्स ना हो इसके एग्जैक्ट बिफोर में, ठीक है, यानी कि वाई के बिल्कुल साथ में, अगर इनमें इनमें से कोई भी वॉवल, 5 लेटर्स में कोई भी वॉवल्स यहाँ पे ना हो, कोई भी लेटर्स ना हो, तो क्या करना है आपको, वाई को रिप्लेस करना है
रिप्लेसिंग करनी है इसकी, वाई की जगह में हमें क्या लिख देना है, आई लिख देना है, क्या लिख देना है, आई, फिर ई एस लगाएंगे, ठीक है ना। जब भी लास्ट में वाई हो, वाई के साथ यहाँ पे वोवल ना हो, वो फाइव लेटर्स वोवल वाले ना हो, तो क्या करना है, वाई की जगह में हम आई लिखेंगे और फिर हम क्या कर देंगे, आई ई एस लगा देंगे, ठीक है, आई ई एस, इसकी जगह में हम आई ई एस लगा देंगे, ठीक है। देखो सी आई टी वाई सी टी, और वाई के साथ टी है, ये क्या है, वोवल्स नहीं है, है ना, यहाँ पे वोवल नहीं है, तो क्या किया हमने, वाई की जगह सी आई टी सेम लिखा हमने, वाई की जगह आई लिखा, फिर ई एस, ठीक है, तो क्या बन गया ये सी टी। इस तरह हम क्या कर रहे हैं, सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर रहे हैं। इसी तरह स्टोरी है, देखो दो वाई के साथ है ये वाला जो लेटर है, क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, यानी कि ये वहाँ पे वोवल नहीं है, है ना, तो क्या करना है, वाई की जगह हमने आई लगा दिया, फिर आई के साथ ई एस, ठीक है, जब हम वाई को काटेंगे तो साथ में आई ई एस लग जाएगा उसके साथ में, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आपको। यहाँ पर देख सकते हो, देखो वाई के साथ वोवल है, नहीं है, इसके साथ है वोवल नहीं है, इसके साथ है वोवल नहीं है, इसी तरह देख सकते हो आप, किसी में भी वोवल्स ऐसे साथ में नहीं है, तो नहीं है तो क्या करना है, वाई की रिप्लेसिंग करके हमने आई ई एस लिख देना है। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, नाउन्स एंडिंग इन वाई विद अ वोवल लेटर बिफोर वाई, क्या कह रहे हैं कि वाई के साथ अगर वोवल हो, यहाँ पे था मैंने कहा था कि अगर नहीं हो तो आई ई एस लगाना है, अगर हो, ठीक है, वाई के साथ अगर वोवल हो तो हमने वाई को काटना नहीं है, इसकी रिप्लेसिंग नहीं करनी है, ओनली हमने क्या करना है, क्या ज्वाइन कर देना है, एस ज्वाइन कर देना है, ओके। देखो के ई वाई की है ना, वाई के साथ ई है, ये क्या है, वोवल है, तो सेम हमने की लिखा, पीछे हमने एस ज्वाइन कर दिया, समझ में आ रहा है ना। अब नेक्स्ट देखो, वाई के साथ ओ है, ये भी वोवल है, तो हमने सेम बॉय लिखा और साथ में एस लिख दिया। अगर यहीं पे बॉय की जगह अगर बेबी होता, बी ए बी वाई बेबी, है ना, यहाँ पे क्या है, बॉवल तो नहीं है, ठीक है, फिर क्या करते हैं हम, क्या लिखते हैं, बी ए बी आई ई एस बेबीज, ऐसे लिखते, ठीक है, वाई को काट के, वाई की रिप्लेसिंग करके हमने क्या करना था, आई ई एस लगाना था, और यहाँ पे बॉवल है तो क्या करना है, रिप्लेसिंग नहीं करना है, सेम लिख के ओनली एस ज्वाइन करना है, समझ में आ गया ना। आप इसी तरह से भी देख सकते हो, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए है, ये वोवल्स हैं, ठीक है, इसी तरह चेंज, इसी तरह ओनली क्या है, एस लगाना है आपने। नाउ नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल क्या है, नाउन एंडिंग इन एफ और एफ ई, अगर देखो लास्ट में एफ हो या एफ ई हो, ठीक है, एफ हो या एफ के साथ ई लगाओ, तो क्या करना है, हमने एफ और एफ ई की रिप्लेसिंग करके वी ई एस लगाना है, ठीक है, क्या करना है, इसकी जगह में हमने क्या करना है, एफ और एफ ई की जगह क्या करना है, वी ई एस लिख देना है, समझ में आ गया, जैसे हमने यहाँ वाई में किया था, वाई की रिप्लेसिंग करके आई ई एस लिखा था, इसी तरह जो एफ है इसमें क्या करना है, एफ या ई एफ ई हो तो वी ई एस लगा देंगे। देखो ये देख सकते हो, काफ लिखा हुआ है, सी ए एल एफ, एफ की जगह क्या कर दिया, देखो एफ को काट के हमने वी लिख दिया ई एस, ठीक है, इसलिए देखो ई यहाँ पे एफ था थीफ, तो यह एफ की जगह हमने वी ई एस लिख दिया, समझ में आ रहा है ना, देख सकते हो आप। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है, एक्सेप्शंस इन एफ एंड एफ ई रूल्स, इसमें क्या है, देखो रूफ है ना, इसमें भी एफ है, लेकिन इसमें एफ नहीं है, हमने जो है रिप्लेसिंग इसकी नहीं की हुई, क्यों नहीं की हुई, यहाँ पे क्या है, वॉवल आ गया, ओ आ गया, डबल ओ, ठीक है, फिर उसके सामने ओनली एस ज्वाइन करना है, इसकी रिप्लेसिंग नहीं करनी है, ये देखो एफ के साथ ई, अगर यहाँ पे एफ के साथ पीछे टू टाइम
कोई भी वॉवल आ जाए, देखो यहाँ पे टू वॉवल है ना, ओ ओ को टू टाइम दे दिया, और ये देखो एफ के पीछे है जो ई आई, ये भी वॉवल्स हैं, टू वॉवल आ गए यहाँ पे, इसीलिए तो इसकी रिप्लेसिंग नहीं की है। ठीक है, अब नेक्स्ट दिखा देती हूँ, यहाँ पे प्रूफ देखो, एफ के पीछे डबल ओ आ गया, यानी कि ये टू वॉवल्स आ गए, तो टू वॉवल्स आ जाएंगे तो हमने एफ की रिप्लेसिंग नहीं करनी है, इट्स ओके। देखो हूफ, यहाँ पे भी डबल ओ आ गया, डबल जो वॉवल्स आ गए, इसकी भी हम रिप्लेसिंग नहीं करेंगे, समझ में आ गया, ओनली हमने एस ज्वाइन करना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ